चिकन हो या पनीर, सब कुछ भूल जाएंगे जब घर में पड़े सामान से बनाएंगे यह स्वादिष्ट चना दाल की सब्जी, जिसे बनाना है बहुत ही आसान और जिसे भी आप खिलाइएगा वो उंगलियां चाट कर खाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चना दाल लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 4 से 5 घंटे के लिए चना दाल को फूलने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से धोकर इसका सारे पानी को मैंने स्ट्रेन कर लिया, यानी कि छन्नी से छान लिया है। देन उसके बाद हम लोग एक मिक्सर जार लेंगे, उसके बाद सारे चने दाल को हम लोग इसमें डाल देंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करेंगे। पहले आप ऐसे ही इसे ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपको पानी की दरकार पड़ती है तो 1/2 कप पानी डालें, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पे चना दाल को बिल्कुल थिक रखना है। देखिए मैंने 1/2 कप से भी थोड़ा कम पानी यूज़ करके ग्राइंड किया है। अगर आपके चना दाल ऐसे ग्राइंड नहीं हो रहे तो आप 1/2 कप पानी यूज़ कीजिए। पहले 2 चम्मच, फिर 2 चम्मच, उसके बाद ग्राइंड कीजिए। इससे क्या होगा कि पानी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और हमारा जो दाल है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए दाल अच्छे से पिस चुकी है और ये ज़्यादा लिक्विडी नहीं, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसमें 1/2 कप से भी थोड़ा कम पानी डाला है, इसी वजह से मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया इसे। देन उसके बाद हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। देन उसके बाद 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कलौंजी, ये ज़रूर डालेगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देन उसके बाद 1 टेबल स्पून अजवाइन को थोड़ा क्रश करके, अजवाइन से डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प होती है। देन उसके बाद हम लोग इसमें बारीक कट के हुए अपने अनियन डाल देंगे। देन उसके बाद बारीक कट के हुए हरी मिर्ची और बारीक कट के हुए धनिया की पत्ती। आप इसमें हरी मिर्ची अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद है तो ज़्यादा और कम तीखी पसंद है तो कम, तो उस अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। सबको मिलाने के बाद हम लोग लास्ट में चुटकी भर हम लोग इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, उसके बाद वापस से मिक्स कर लेंगे। याद रखें बेकिंग पाउडर जो है बिल्कुल सब मिक्स होने के बाद लास्ट में डालें। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग हाथों की हेल्प से इतनी छोटी सी इसकी पोर्शन लेंगे। देन उसके बाद इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था हाई हीट पे। उसके बाद हम लोग इसको छोटा छोटा पोर्शन करके डाल देंगे। बिल्कुल छोटा छोटा ही यूज़ कीजिएगा, मतलब लीजिएगा, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर भी डाला है तो इससे थोड़ा फूलता है और इसे देखने छोटे छोटे जो होंगे ना पकौड़े, देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है। आप सरसों तेल में ही फ्राई करें अगर आपके पास अवेलेबल है तो, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कोई भी अगर पकौड़े आप तल रहे हैं तो उसे सरसों तेल में आप फ्राई करके खाएँ, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, प्लस हेल्दी भी है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल तो वैसे भी अनहेल्दी में आता है। तो अब मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे सभी पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया। मीडियम फ्लेम पे इसलिए क्योंकि अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से पकने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पकौड़ा रेडी हो चुका है, अब मैंने इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरीके से सभी पकौड़े को हम लोग तल लेंगे। पकौड़े के बाद अब हम लोग इसकी ग्रेवी लगा लेते, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला चढ़ाया है। देन उसके बाद इसमें हम लोग तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वही तेल यूज़ किया है जो मैंने पकौड़े के लिए यूज़ किया था। तो मैंने पकौड़े तलने के बाद सेम तेल में मैंने ग्रेवी भी बना ली है, तो आपके इससे वेस्टेज कम होंगे। देन उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, 2 से 3 तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च, जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद डालकर अच्छे से तड़का लेंगे। जब ये तीनों हल्का तड़कने लगे देन उसके बाद हम लोग इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे। तो उसमें मैंने लिया है 3 से 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, सॉरी 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और हल्का इसके भी तड़का लेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसमें पतले स्लाइस में कट किया हुआ अनियन यानी कि प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे याद रखें चाहे तो आप बारीक कट करके भी डाल सकते हैं और चाहे तो पतले स्लाइस में भी कट करके डाल सकते हैं, पीस के बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जो मज़ा सब्जी में ये पतले स्लाइस या बारीक कट करके स्लाइस फ्राई करके खाने में ना, वो मज़ा आपको वो पीस के खाने में नहीं है। तो आप इसे कट करके ले, चाहे वो पतले स्लाइस में लंबे लंबे कट करें या फिर आप इसे बारीक भी कट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप प्याज डालने के बाद इसे 1 मिनट फ्राई करने के बाद, मतलब भूनने के बाद, आप इसमें नमक डाल दें स्वाद अनुसार, उसके बाद आप इसे चलाएं और ढक दें। तो क्या होगा, प्याज जो इसकी जो पानी छोड़ेगी उससे ये पक जाएगा और बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो ये हुआ दूसरा टिप अनियन को जल्दी पकाने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक दिया था इसके पानी से, मैंने बीच में 1-2 बार मिला लिया इसे, इसी के पानी से ये अच्छे से भुन चुका है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम लोग इसे अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा
करछी की यानी कि चम्मच की मदद से इस तरीके से कर लेंगे ताकि इससे जो अनियन जो है वो अच्छे तरीके से घुल जाएंगे। तो इसके बाद अब हम लोग सभी मसालों को डाल देंगे। उसके लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है या मीडियम तीखा खाते हैं, फिर 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून चिकन मसाला। ये कोई नॉनवेज नहीं होता है, अब ये मसाला एक तरीके का आप इसे यूज़ करें, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे डालकर मसालों को अनियन के साथ अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे कोई भी मैं टमाटर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसके जगह एक चीज़ यूज़ करेंगे जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इस सब्ज़ी में टमाटर यूज़ नहीं किया है। इसके बाद हम लोग मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम लोग डाल देंगे 1 बड़ी टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे भी डालकर कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मसालों की भुनाई करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो सब्जियों में टेस्ट आता है ना वो मसालों के भुनने के वजह से ही आता है। अगर आपका मसाला चिपकने लगे आप हल्का हल्का पानी डालकर उसके बाद फिर इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लीजिए। यहाँ पे मैंने पानी डाला, दो फायदा, हमारे जो मसाले थे वो हल्का चिपक रहे थे और इसका जो टेम्परेचर था वो मुझे कम करना था तो वो भी कम हो गया। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 बड़ी टेबलस्पून दही डाला है और दही डाल को कंटिन्यू आपको 1 से 2 मिनट के जो हाथ है वो बिना रुके हुए चलने चाहिए, कम से कम 2 मिनट तक कंटिन्यू, नहीं तो दही फट सकती है। मैंने 2 मिनट कंटिन्यू चलाकर इसे ढक दिया है और अब देखिए ये कितने अच्छे से तेल छोड़ना स्टार्ट हो चुका है, मसालों ने अपना तेल छोड़ चुका है। दही भी डालने से क्या होता है, इसका कलर, सब्जियों का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने टमाटर नहीं डाला लेकिन आपको उसकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली है। तो अच्छे से मैंने सबको चला लिया है वापस से और ये हमारा देखिए ग्रेवी के लिए रेडी हो चुका है। अब देख रहे हैं ना, प्याज बिल्कुल गल चुका है, लग ही नहीं रहा है कि इसमें मैंने बड़े साइज़ में प्याज भी कट करके डाले था कि हमने इसे इतना गला लिया है। अब मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है 1 गिलास। अगर आपको कभी सब्जियों को जल्दी पकाना है तो बस आप गर्म पानी डाल दीजिए, आपकी सब्जी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी ऑलरेडी रेडी थी, हमने गर्म पानी डाल दिया, अब बस इसे 3 से 4 मिनट ढककर उबाल आने देंगे और उसके बाद हमने जो पकौड़े बनाए थे वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक के 3 से 4 मिनट ग्रेवी को अच्छे से बना लिया, देखिए कितनी अच्छी लग रही है अभी। और इसके बाद अब हम लोग इसमें अपने जो भी जितने भी पकौड़े फ्राई किए थे वो डाल देंगे। अब इस पकौड़े को ऐसे भी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बिलीव में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे सभी पकौड़े को डाल दिया है, देन उसके बाद अच्छे से इसे मिला लेंगे और इसके साथ ज़्यादा हमें ग्रेवी के साथ नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद हमारा ये सब्जी रेडी हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे जिससे फ्लेवर तो दुगना हो जाता है और सबकी जान है। तो इसमें डालकर एक बार मिला लेंगे और हमारी ये चने दाल की सब्जी रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम अपने